नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जी हाँ, इस समय मिसिंग नंबर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? क्या पढ़ाऊंगा? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपसे बोला था, आपका थंबनेल बन चुका है। मिसिंग नंबर मैं आपको बताऊंगा और मिसिंग नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मिसिंग नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लेकिन चलो उससे पहले देखते हैं कि कल का होमवर्क कितने लोगों ने किया था और कल का होमवर्क का आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर मैं अब कल के होमवर्क की बात करूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कितने लोगों ने इसका जवाब दिया। ये होमवर्क था, ठीक है ना? अब ये होमवर्क का जवाब क्या होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि पूजा एक पंक्ति में बाएं छोर से 14 है, कितना है? लेफ्ट हैंड साइड से 14 है। तो पूजा जो है लेफ्ट हैंड, जितना काम है उतना हम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पूजा क्या है? 14 है। चलो ठीक है। फिर क्या उसने बोला कि सोनाली जो है वो राइट हैंड साइड से 18 है। सोनाली राइट हैंड साइड से 18 है। बीच में 1/5 ऑफ टोटल नंबर इज बिटवीन देम, इतने लोग बैठे हैं। अब उसने बोला कि टोटल नंबर चाहिए लेकिन पंक्ति की न्यूनतम संख्या चाहिए, न्यूनतम। तो पहले हमें तो मैक्सिमम पता ही नहीं, और जब तक किसी की मैक्सिमम चीज़ें नहीं पता होती, भाई मेरी शादी में कौन कौन आएगा बताओ, कितनी पत्तल लगेगी मेरी शादी में? आपको मैक्सिमम पता ही नहीं मेरा व्यवहार कितना है, दुनिया में लोग मुझे कितना जानते हैं, जानते हो? जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे बता दो मेरी शादी में कितना पत्तल लगेगा। जब तक मैक्सिमम डिसाइड नहीं होगा, मिनिमम कभी नहीं निकाला जा सकता, यानी मैक्सिमम डिसाइड होना ज़रूरी है। 500 लोग हैं, तूने 300 पत्तल में खिला देंगे, 250 पत्तल, लेकिन 500 पता है तब उन्हें 250 300 में खिला दोगे ना। लेकिन मैंने कहा कि मेरी शादी में कितना पत्तल लगेगा, कोई बता सकता है? मेरा व्यवहार कितना है, पूरे भारत में लोग मुझे कितना जानते हैं, विदेश के बाहर मुझे कितना लोग जानते हैं, आप बता सकते हो? तो यानी आपको मैक्सिमम जानना जरूरी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट बराबर टोटल, ठीक। लेफ्ट कितना है 14 प्लस मिड हमें पता ही नहीं, प्लस राइट कितना है 18 और टोटल, ठीक ऐसे होता था। लेकिन बीच में कुल का 1/5, यानी यहाँ पे हम टी बाई फाइव लिख सकते हैं, कुल का 1/5 कहें तो बीच में कुल का 1/5 यानी टी बाई फाइव लिख सकते हैं। चलो अब 18 14 कितना हो गया, 32 इक्वल टू टी माइनस टी बाई फाइव, सही है, टी माइनस टी बाई फाइव। और अब इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इक्वल टू 4t/5। ये 4t/5 कैसे आया समझ में आया कि नहीं? एलसीएम लिया तो ये 5t हो गया, 5t में से t गया तो 4t-5, ठीक है ना? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया t, 4 8 32 और 8 5 40, यानी t बराबर 40 आ गया। t बराबर 40 आ गया तो मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर 40 आया है। यहाँ पर 40 जवाब नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर 40 आया है, बोलो हाँ है ना? तो अब जरा सोचो कि आपके पास टोटल, यानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 पता चल गया, यानी टोटल 40 लोग हैं, ठीक है ना? तो अब इस 40 में यहाँ तक 14 है, यहाँ तक 18 है, तो यानी 40 में अगर ये 14 18 जोड़ लूँ, मैं 14 18 जोड़ लूँ तो 32 आया, और इसी 32 को अगर 40 में से घटा दूँ तो 8 आ गया, यानी 8 लोग बीच में बैठे हैं। इसका मतलब है 8 लोग बीच में बैठे हैं, बोलो हाँ है ना? तो अगर 8 लोग बीच में बैठे तो अब देखो 40 का 1/5 8 हुआ कि नहीं, 8 5 40, यानी 40 का 1/5 8 हुआ, यानी बीच में 8 लोग बैठे हैं। लो बन गया नॉर्मल क्वेश्चन कि इधर से जो पूजा है वो 14 है और इधर से सोनाली जो है वो 18 है और बीच में 8 लोग बैठे हैं। लो बन गया क्वेश्चन आपका, बोलो हाँ है ना? अब इसमें मिनिमम नंबर आपको निकालना आता है, कैसे सिखाया है, बीच वाले में 2 जोड़ दो, 8 2 10 हो गया, और अगल बगल वालों को जोड़ दो, 10 8 18 32, और इसी 32 में से 10 घटा दो, आंसर कितना आ गया, 22 बिल्कुल सही जवाब हो गया, 22 बिल्कुल सही जवाब होगा, 22 विल बी द राइट आंसर। देखो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि इधर से 14, इधर से 14 और इधर से 18, बीच में 8 लोग हैं, बोलो हाँ है ना? तो बस 8 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, फॉर्मूला तो बताया ही है ना? अब हर समय फॉर्मूला तो याद करोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिमम बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, है ना? लेकिन इसे फॉर्मूला नहीं याद करना, बीच वाले में 2 जोड़ दो, 8 2 10, और 14 18 कितना हो गया, 32, और 32 में से 10 गया, 22 बिल्कुल सही जवाब हो गया। और सब जवाब देने वाले कुछ ये होनहार लोग हैं जिनका जवाब आया है। सबसे पहले संदीप मिश्रा भैया, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, उन्नत करिए। और साइको बॉय भैया खुश रहो। अर्णिमा साक्षी, एस पंचिमा, राजेश जी हैं, ओम प्रकाश यादव है, गौरव कुमार है, विनीत तिवारी है,
ठीक है ना। विनीत तिवारी कहना सर महिंद्रा इलाहाबाद ब्रांच आपको बहुत मिस करता है, बिल्कुल, और मैं भी सर बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इलाहाबाद जैसा बच्चा अभी तक मुझे बाई फेस टू फेस ऐसे बच्चे नहीं मिले, बहुत ही शानदार एक सेशन चलता था इलाहाबाद में। संध्या जी थैंक यू सो मच, ठीक है ना, संध्या भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। बहुत से लोगों के जवाब आते हैं लेकिन मैं सबको नहीं पढ़ पाता क्योंकि समय भी मेरे पास बहुत कम होता है दोस्तों, सेशन नया स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये इतने लोगों का है जिन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है ना, ये लोग हैं जिन्होंने आंसर किया, तो इन सबको आपको देखना और जानना जरूरी है। पूरा हिंदुस्तान इनको एकदम फ्रंट पे बड़ा बड़ा करके लगाता हूँ ताकि हर व्यक्ति देखे कि ये वो सजग बच्चे हैं जो हर एक छोटी से छोटी क्लास को भी, हर से एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी प्योर तवज्जो देते हैं और उनको सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग, मेरे पास इतनी स्लाइडें लग जाती हैं जहाँ मैं इन लोगों को सबको दिखा, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर, मेरी भी अपनी जिद है कि मैं इन बच्चों को जरूर हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये सब वो बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं। तो ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और टाइम लिमिट देता हूं, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। चलो भैया आज के क्वेश्चन सेशन का आगाज करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताओ क्या है, इजी जल्दी से बताओ। जरा सोचो, आपसे पूछा जाए कि आंसर क्या होगा, जरा सुनना ध्यान से। ये देखो ये चार है, ये छः है, अब 6 × 4 कितना हो गया, 6 × 4 = 24, यहाँ पे 9 × 4 = 36, और यहाँ पे 9 होना चाहिए तो 9 × 45 हो जाएगा, तो अल्फाबेट से मुझे मतलब ही नहीं, आंसर 9B सही हो जाएगा। अच्छा अब आप कहेंगे सर बी कहाँ से आया, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिक्वेंस नहीं है, यहाँ ACB है, यहाँ AC है, मिसिंग कौन है, बी मिसिंग है, तो यहाँ पे 9B हो गया, ठीक है, तो ये जवाब हो गया 9B, 9 × 45, ईजी क्वेश्चन, एकदम ईजी से शुरुआत कर रहा हूँ। ये नहीं कह सकते सर कि अब ऐसा जल्दी से इसका जवाब बताओ क्या हो, सोच के जवाब देना, और मैक्सिमम लोग जवाब दोगे ना तो मजा आएगा सॉल्व करने में, है कि नहीं, जल्दी से सोचो क्या होगा, जल्दी सोचो क्या होगा। जब भी कैलकुलेशन किया करो ना, तो जैसे कि आप कैलकुलेशन सीधे सीधे जोड़ लोगे, लेकिन जरा देखो अगर मैं आपसे बोलूं इनको देखो, ये आसानी से जुड़ जाएगा, 6, 4, 10, 8, 18, और 18 में कांस्टेंट वैल्यू अगर 2 जोड़ दूं तो 20 होता है, ठीक है ना। अब जैसे अब देखो 9, 7 कितना हो गया 16, ठीक है ना, और 16 और 8 कितना हो गया 24, 16 और 8 कितना हो गया 24, और 24 में 2 और जोड़ दोगे तो हो गया 26। इसी तरीके से 6, 5, 11, और 11 और 12 आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23, 11 और 12 जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा 23, और 23 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 25। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त भैया, एक नंबर जवाब, जल्दी से ये सोचो क्या होगा। एक क्वेश्चन देखो, जब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस हो जाती है तो देखते देखते समझ जाते हैं कि भैया ये स्क्वायर आया है, मतलब जिन जिन का स्क्वायर आया है उनका वो नंबर हमें मिला के यहाँ बनाना है, और आप समझदार हो कैसे बनेगा। देखो जवाब 1000% सही हो गया, क्योंकि अब ना आपका दिमाग यहाँ से क्वेश्चन मार्क नहीं देखता, अब आपका दिमाग देखता है अरे यार 49, 64, 169, जी हाँ, मतलब कि वो छोटी संख्या बनानी है, यानी 4, 1, 5 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये बना लिया, 4, 2, 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब इसी तरीके से अब जरा सोचो 5, 3, 8 कितना कम है, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है ना, 8, 5, 13, यानी यहाँ पे 5 और मिल जाए तो 8, 5, 13, और 13 का स्क्वायर बन जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो अब मानते हो ना मेरी बात की, देखो अब इस तरीके के चूरन क्वेश्चन के तो अब हम मोहताज नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, चूरन क्वेश्चन के मोहताज नहीं, ये तो हो ही जाएगा। अब हमारे पास बात फंसती है किसकी, जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, चलो ये भी ईजी जल्दी से कर लो, कलो फिर टफ क्वेश्चन दिखाओ जो आप थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। नौ तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 9, 8, 17 होता है, ठीक है। अब 8 का 2 गुना, अगर 17 में मैंने 16 जोड़ दिया तो 7, 6 कितना हो गया 13, और यहां पे आ गया 33, यानी यहां पे
यहाँ पे 17 में 16 जोड़ दें। अब 16 के बाद अगर मैं 33 में 32 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 यानी 65 हो जाएगा। और ये भी देखो कि अगर 65 हो जाएगा तो क्या 65 विकल्प में है, जी हाँ यहाँ पे 65 विकल्प में है, यानी यहाँ पे ये 65 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 65 यानी 8 फिर 16 और फिर क्या जोड़ना है, 32 जोड़ना है, बिल्कुल सही जवाब। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे सोचो क्या क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, फिर से सोचो, फिर से सोचो, ध्यान से सोचो। अब जरा सोचो, अगर मैं बोलूँ कि 11 4 कितना होता है, मान लो मैंने बोला 11 4 15 होता है और 4 3 7 होता है, इन इनको इनको जोड़ लूँ ठीक है, और इसको इसको जोड़ लूँ तो 4 3 7 होता है, और 7 घटाएंगे तो 8 7 15 यानी यहाँ पे 8 आ गया। अगर मैं बोलूँ 20 10 कितना होता है, 30 होता है, और 8 6 कितना होता है, 14 होता है, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 2 बचा यानी 16 आ गया। बोलो आया ना, यानी क्या करना है, इनको इनको जोड़ देना है, इनको इनको जोड़ना है, इनको इनको जोड़ना है और आपस में माइनस कर देना है। तो 15 8 कितना हो गया, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया, और 6 3 9 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 14 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 14 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी देखो अब क्या होता है ना, इन चीजों को प्रैक्टिस में डाल लो बेटा जी, प्रैक्टिस में पड़ जाएगा। तो हमें पता है छोटी संख्या है, मल्टीप्लाई कहीं हुआ नहीं होगा, यानी देखो जब भी है, और ये चीजें कभी इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हमेशा आपको डायरेक्ट या तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ, रेगुलर क्वेश्चन इसके करा दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एक बात मेरी सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, तो आप सबसे पहले वो देखो कि आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 4 2 8 2 16 यानी अगला तो 32 होगा, ये तो कंफर्म है, तो 32 होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं, ये है 26, ये है 25, ये है 24, ये है 23, तो अगला क्या आएगा, 22 आएगा, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वी की प्लेस वैल्यू होती है, तो ईजी है, इजी है, हो गया 22, क्या आंसर हो जाएगा, 22 विल बी द राइट आंसर। बोलो बात सही, चल इसका जवाब बताओ। मैं इसमें फिर से दूंगा, ध्यान से समझ के देखना कि जो आप सोच रहे हो क्या वही हो रहा है। बढ़ते हैं ना तो हमारे देखो नंबर हमेशा दिल की धड़कन की तरह बढ़ते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, तो ये जो होता है ना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन होता है, ये स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब जो होता है क्यूब करके मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी जब ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है तो हमें ये पता है कि इसमें कुछ भी ऐड करने से तो ये संख्या कभी नहीं आने वाली। बोलो हाँ या ना, तो हम कुछ चीज़ें नीट क्लीन तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। फिर से सोचो कि इसमें क्या हो रहा है, उसने बोला कि इसमें, अब देखो ये आपको पता नहीं कि संख्या देख के ही एक पहले मन में भाव आता है कि सर ऐसा क्वेश्चन ऐड करने पे तो इतनी संख्या नहीं बनेगी, अब हम ऐसा क्या करें कि 341 हो जाए, ऐसा क्या करें, कैसे करें, है कि नहीं। तो जरा सोचो 34 का 341, तो ये तो चलो इजी कर दिया इसने कि यहां बता दिया, अगर अगर 34 का 10 गुना करें ठीक है तो आएगा 340, और 340 में एक और जोड़ दें तो हो जाएगा 341, फिर 341 का 9 गुना करें जो आए उसमें एक जोड़ दें, बोलो हाँ है ना, यानी कुछ इस तरीके से, पहले 34 का 10 गुना करें एक जोड़ दें, फिर उसका 9 गुना करें फिर उसमें 2 जोड़ दें, फिर उसका 8 गुना करें फिर उसमें 3 जोड़ दें, फिर उसका 7 गुना करें यानी उसे 10 9 8 7 गुना कर दें, या 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना ऐसे करते जाएं, और नंबर क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, एक जोड़ते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जोड़ते जाएं। बोलो बात सही है, तो यहाँ पे एक बार 341 आएगा, 371 आएगा, 24 571 आएगा।
और अगला 17201 आएगा, 17201 आएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इससे ये नहीं पता चलता कि आज आपने ये क्वेश्चन कर लिया और आपको बस सर आज आपने मिसिंग नंबर पढ़ाया, समझ में आ गया। बेटा जी, जो भी महारथी किसी को भी दोगे, वो हर व्यक्ति के सीरीज सोचने का तरीका होता है, लेकिन आपसे अपर लेवल में क्या होता है, जो आपसे थोड़ा सा अच्छा होता है, उसमें क्या होता है कि उसे पता है कि उसको कहाँ के बाद से सोचना है। अब आपने जैसे देखा, जब आप लोग प्रैक्टिस करने वाले लोग जो रेगुलर मुझसे मुलाकात करते हो, उनकी आदत पड़ गई, वो नंबर देख के ही, समस्या सबके लिए होती है, लेकिन कोई समस्या को झेल के एक सक्सेस पर्सन बन जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है। तो दोनों में फर्क है। इंसान, हर इंसान के जीवन में मुसीबत आती है, लेकिन उसे कौन कैसे ट्रीट करता है। अब देखो, जो 34 के बाद 341, तो पहले 10 गुना किया, एक जोड़ा, फिर 9 गुना किया, 2, तो अब हमें पता चला कि ऐसा भी होता है। तो हम मिसिंग नंबर से ये सीखते हैं। और देखो, इतना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछता कि आप वहाँ पे पैटर्न ना लगा पाएं। लगभग लगभग कई चीज़ें रिपीट होती हैं, इसीलिए मैं इस तरीके के जब भी मिसिंग क्वेश्चन कराता हूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ, ताकि कितनी बार वो चीज़ें रिपीट होंगी आपको ये लोग, हाँ ऐसा सर ने एक बार कराया तो था, कि पहले 10 गुना + 1, फिर 9 गुना + 2, फिर 8 गुना + 3, फिर 7 गुना + 4, फिर 6 गुना + 5, इस तरीके से होता है। बोलो हाँ, है ना। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैंने 6 में से 3 को घटाया, 6 - 3 किया तो आया 3, और इसी 3 का 10 गुना कर दिया तो 30 आ गया। अब 9 में से 4 घटाया, बिल्कुल सही, 1000 दद्दा सही बोल रहे हो, 5 आया, और 5 का 7 गुना कर दिया तो 35 हो गया। अब इसमें कितना, अगर मैं यहाँ पे 6 में से 3 घटा दूँ तो आएगा 3, और 3 का 10 गुना कर दूँ तो हो जाएगा कितना, 30। यानी यहाँ पे 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि मत करो, इसको मत पढ़ो अकेले बेटा जी, मत पढ़ो। लेकिन जब भी मैं कराऊँ तो मेरे साथ करके रोज देखो, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर हफ्ते कहीं ना कहीं मिसिंग नंबर कराता रहूँगा, तो अब उसमें क्या है, आपकी आदत बनी रहेगी। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज अभी करा दूंगा, इसके बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज, जितने तरीके की सीरीज आती है, इसको आप जीएस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, सब अकेले पढ़ो, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे भरोसे छोड़ दो, ठीक है। अब हम जब भी क्वेश्चन कराएं, मिलके दोनों जन करेंगे, फिर नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो मिसिंग नंबर ठीक है, लेकिन इतना कर लेंगे कि टाक से दिमाग वहीं जाएगा, अच्छा ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 6 बिल्कुल सही हो गया। चलो भैया, ये सोच के बताओ, तो यहाँ सोचो क्या हो रहा है। क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, जो संख्या समझ में आए उसी को लेके सॉल्व करो, जो संख्या समझ में आए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर से ध्यान से देखो, जो संख्या समझ में आए सिर्फ उसी को लेके सॉल्व करो। जो संख्या आपको समझ में आ रही है कौन सी, 3, 8, 9, 15, गैप कैसे है, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 8 × 3 = 24, नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3, सॉरी, ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये 4 का स्क्वायर लग रहा है, ये 5 का स्क्वायर लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। ये अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3/4, 8/9, 15/16, 24/25, ये तो समझ में आ रहा है ना कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला 6 का स्क्वायर आएगा। यानी अब हर में, यानी डिनोमिनेटर में 36 होना चाहिए, केवल यहीं 36 से जवाब हो गया। ऊपर की नहीं समझ में आ रहा, मत समझो, लेकिन नहीं सर हम फिर भी समझना चाहते हैं ऊपर क्या है। एक बात याद रखना, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग आजीवन केवल कॉन्सेप्ट ही समझते रहते हैं। अब एक बंदे ने कमेंट में मुझसे पूछा, आप लोग सुन लो, कमेंट में पूछा कि सर वो जो मंथ दो आप वो कोड नहीं कराते, वो जो कैलेंडर नहीं कराया जाता, हमने कहा हाँ हाँ, तो उसमें वो जो मंथ कोड दिया गया है वो कहाँ से आया। अब ऐसे व्यक्ति अब हम जिंदगी भर यही ढूंढते मर जाए कि सर पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, अगर मुर्गी आई तो वो किस अंडे से आई, और अंडा आया तो वो किस मुर्गी से आया, सर बताइए। अगर यही करते रह जाएंगे तो आजीवन सर हमारा क्या आपको पीएचडी करनी है या आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है। अब उसने बोला सर मंथ में जो जो भाई वो लाने का एक जेन्युइन रीजन है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट बना दी जाती हैं जिससे वैल्यू उतनी आने लगती है।
ठीक है। तो अगर इन चीजों में ना, हाँ आप हमसे ये पूछे होते कि सर 400वां साल अधिवर्ष कैसे बन जाता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आता है। सर मंथ कोड कहाँ से आया, सर आप जब डे कोड लगते हैं तो संडे को 0 ही क्यों लिखते हैं, संडे को 513 क्यों नहीं लिख देते हैं, संडे को 1452 क्यों नहीं लिख देते हैं? तो प्रश्न वो अच्छा लगता है जो आपके लेवल का हो, ठीक है। पीएचडी करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है वो पूछा। अब आप अगर जिसने आपसे पूछा है कि जाके सर से ये पूछो कि मंथ का जो कोड होता है वो कहाँ से आया, उन सर से ये जाके पूछो कि सर 400 का जो 400वां अधिवर्ष होता है वो क्यों होता है, ठीक है ना। लीप ईयर क्यों होता है ये सबको पता है, लेकिन 400वां साल सेंचुरी लीप ईयर क्यों होता है, वो एक दिन कहाँ कहाँ से बढ़ के 400वां साल कैसे सेंचुरी लीप ईयर पड़ जाता है ये पूछो। अब आप हमसे ये पूछो सर वो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तो संडे को 0 ही क्यों लिखते हैं, मंडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही क्यों लिखते हैं, तो पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, फिर रीजनिंग एक सब्जेक्ट बनवाओ, फिर उसमें पीएचडी करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वहां तक पूछो जो जो आपके एग्जाम में आना है, जो जरूरी है, ठीक है ना। बेवकूफों के चक्कर में मत पड़ा करो कि कुछ गधे बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं। अच्छा जाना एक बात बताना, ये पूछ के आना, अगर हम क्वेश्चन रीजनिंग का बना देंगे तो मर जाएंगे सर, और वो बना दें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी भी चीज़ होती है कि कोई भी बना देगा हर व्यक्ति फंस जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछो सोचो क्या ये मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसे डिस्कस करना चाहिए। फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन लेके ना अपना माथा खराब करो और ना ही अपने आप को एकदम नीचे हतोत्साहित करो, ठीक है ना। मैं सही बोलता हूँ, जो बच्चों को इधर उधर बहला फुसला के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ उनका मोरल डाउन होता है, ऐसे गधों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको रिटर्न गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, ठीक है ना। जल्दी यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा, आप पूछो क्वेश्चन, लेकिन जैसे अब आप मुझसे पूछो कि सर 400वां साल सेंचुरी लीप ईयर क्यों बनता है, रीजन बताइए, तो ये तो समझ में आता है, बोलो हाँ या ना। तो कोड भी पूछते समय जरा सोचो कि सर अगर 8 से 9 के बीच में 8:40 हो रहा है तो अगला 90 डिग्री कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में 13 डिग्री कितनी बार बनेगा, सर ये सब क्वेश्चन पूछो तो मजा है। कि सर ये बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि 7 से 8 के बीच में 82.5 ये डिग्री कब बनेगा, सर 82 सही 1/2 डिग्री ये डिग्री कब बनेगा सर, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछो कि सर ये एग्जैक्ट टाइम बताइए सर ये कब बनेगा, क्योंकि क्लॉक में हमेशा 6 के मल्टीपल का तो क्वेश्चन बता लिया जाता है, जो 6 का मल्टीपल नहीं है उसके क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इंसान मर जाएगा। क्वेश्चन पूछो लेकिन जरूरी जो एग्जाम में आया है, क्वेश्चन मार्क वाली डाइस पूछो कि किसी फेज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो बताइए सर वहां पे कौन सा फेज आएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें सोचो आंसर क्या होगा, किसी का जवाब अभी तक नहीं आया, क्वेश्चन है तो हमको पता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे 33 आ रहा है तो 33 कैसे आ रहा है, 7 में 5 का गुणा किया तो 35 आया, 35 में इसी 2 को घटा दिया तो 33 आ गया, 6 3 18 18 में 8 गया तो 10 बचा। अब यहाँ पे अगर 33 की हम बात करें तो 33 कितना 33 कब आएगा, तो जरा सोचिए कि 33 कब आ जाएगा, तो 7 4 28 में 3 जाएगा 33 आएगा नहीं, 8 4 32 में 3 जाएगा 33 आएगा नहीं, 9 4 36 में अगर 3 चला जाए तो जी हाँ 33 आ जाएगा, तो यानी 9 हो गया, 9 4 36 होता है और 36 में 3 चला जाए तो 33 जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, ये सब इजी क्वेश्चन, लेकिन ये उनके लिए इजी है ना जिनको स्क्वायर्स याद हैं, जिनको क्यूब याद हैं, जिनको 1 से लेकर 20 तक टेबल लर्न है, ऐसे लोगों को याद हो जाएगा, है ना। क्यों याद हो जाएगा जरा सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं 21 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो अगला 25 का स्क्वायर होगा जो कि 625 हो जाएगा, अगला 25 का स्क्वायर होगा जो 625 हो जाएगा, बोलो बात सही, 625 विल बी द राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन एक बार कराया है मैंने, जल्दी से इसका जवाब बताओ क्या होगा, यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में बेटा जी आ जाएगा, लेकिन अब आप लोग देखो 12 में 3 जोड़ो तो 15 आता है, 11 में 22 में 11 जोड़ो तो 33 आएगा,
18 में 9 जोड़ो तो 27 आएगा, 32 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन इधर वाला भी आना चाहिए, जैसे 3 चौक 12, 11 दूना 22, 9 दून 18, तो 8 चार अठे 32, यानी 8, यानी यहाँ पे 4 बिल्कुल सही होगा, इधर वाला डिवाइड करके और इधर वाला एडिशन करके आंसर आ रहा है। तो आशा करते हैं समझ गए होगे, आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब रेगुलर देखने लगोगे तो आदत सी पड़ जाएगी। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे सोचो क्या होगा। अब इस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि नहीं सर अभी 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 हमको आने लगा है चीजें। अब जरा सोचो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए, देखना क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पूछे जाएंगे, जरा सोचो कैसे होगा। 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 6 कितना हो गया, 9 4 13, 13 6 कितना हो गया, 19, 13 6 19, है ना। अब 19 में से 13 6 कितना हो गया, 19, और 19 में से 17 घटाओगे तो 2 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। अब हम यहीं पे आपसे पूछ लें कि 2 ही क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि 9 4 13 6 19, 13 में 17 गया तो कितना, 19 17 गया कितना है, 2 बचा। अब जरा सोचना, 20 5 25 और 25 9 कितना हो गया, 34, बोलो हाँ, है ना। अब जरा समझना, यही चीज है कि आपको उसमें सबको आपस में जोड़ना है, घटाना है, कांस्टेंट वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं, मतलब क्या है मेरे कहने का, जरा समझना कि जैसे उसने फर्स्ट रो क्या है, वो 4 9 6 यही कर रहा है ना, कि इनको और इनको इनको जोड़ लिया और ये 17 को घटाया 2 आया, फिर 5 8 9 इनको जोड़ लिया, फिर उसमें से 20 घटाया तो 2 आया, यानी छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ के बड़ी संख्या से माइनस करना है और सब में कांस्टेंट 2 2 2 2 2 2 2 2 आना चाहिए, बोलो बात सही है कि नहीं। अब देखो एक नई चीज़ पता चली कि सर ऐसा भी होता है, यानी कभी भी क्वेश्चन मार्क आते समय सारी छोटी छोटी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है और बड़ी संख्या से माइनस कर देना है और आंसर कांस्टेंट वैल्यू 2 आ रहा है, फिर इनको 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 जोड़ लेना है, फिर बड़ी संख्या से माइनस कर देना है, आंसर 2 आ रहा है, फिर ये बड़ी छोटी छोटी संख्या जोड़ लेना है, 23 सॉरी, फिर क्या है, 9 और 4 9 4 कितना हो गया, 13, और 19 में से अगर 13 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर जवाब हो जाएगा, बोलो बात सही है कि नहीं। चल यहाँ पे 8 बिल्कुल सही, चल यहाँ पे बताओ क्या, जल्दी सोचो क्या, अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि मान लो ऐसे बोला जाए 3 2 6 ठीक है, और 6 3 9 और अगला 9 3 12, और ये 3 सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, हम ये मान ले तो 3 3 6 3 9 3 कितना हो गया, 12 बिल्कुल सही जवाब हो गया, 12 विल बी द यानी 12 विल बी द राइट आंसर, 12 क्या है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये करो, ये जल्दी से सोचो, अगर बता ले गए तो मजा आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा भी क्वेश्चन हमने देखा है। सोचो यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये 9 का क्यूब है, ये 19 का क्यूब है, ये अगर हम बात करें तो 19 के बाद क्या आएगा, 29 का क्यूब है, यहाँ 39 का क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे 49 का क्यूब, और फिर ये 59 का क्यूब, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या, जी हाँ ऐसा ही हो रहा है, यानी पहले 9 का क्यूब, 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, यानी यहाँ पे 39 का क्यूब आएगा। कैसे पता चलेगा, जब क्यूब याद रहेगा, नहीं तो यार सोचो आप कभी कभी आंसर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बोलो बात सही है, 39 का क्यूब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चल यहाँ पे बताओ, इजी है, कर लोगे, जल्दी सोचो क्या होगा, हो गया समय। अब देखो आ गया, अब तो इतना तो ये तो मैं आपकी बेइज्जती करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊं, 4 6 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 7 का क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए, 49 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक नंबर जबरदस्त। चलो यहाँ पे बताओ, अब देखो आता ना दिमाग में,
आता है कि नहीं? 49, 169। अब भला कोई माइकलाल कह दे कि सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आंसर देखते देखते आदत पड़ गई है, देखते देखते आदत पड़ गई। अब जो रेगुलर काम करता है, अब जो जो भी देखो लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं, वो बच्चा आप लोग जब खाना बनाती हो, जरा देखो आप लोगों की नॉर्मल चीज़ लगती है ना, क्या क्या बनाने लाओ, आधे घंटे में बना के फुर्सत हो गए। जिस दिन पहली बार लड़के किचन में घुसते हैं, दुनिया को पता चल जाता है आज ये खाना बना रहा है, भाई हर चीज़ें छीछालेदर मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्लेक्सिबल जोन से बाहर है। अब जो रेगुलर क्वेश्चन देख रहा है उसकी आदत पड़ रही है, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। और जो नया बंदा आएगा वो क्या मचाएगा? छीछालेदर मचाएगा। तो वो छीछालेदर मचाएगा क्योंकि वो मिसिंग नंबर ज़्यादा देखा नहीं। मेरा बच्चे क्या है, वो रेगुलर इतना मैं दिखा चुका हूं कि उनको हर क्वेश्चन रटते, हाँ हाँ 49, 169 वर्ग दिखा दिए, नहीं तो मेरा तीसरी आंख झम से खुल जाएगी। 4 × 3 = 7, 149, 8 × 5 = 13, 169, 11 × 3 = 33, यहाँ पे 10, 9, 19, 19 का 361 होता है। ये सब सर दिखा के आपने हमारी अवहेलना कर दी, आप हमारी बेइज्जती करें, ये सब हमको एकदम अच्छे से। चलो ना ये बताओ इसमें क्या हो? अब देखो ये चीजें आप लोग क्यों इतनी आसानी से इतनी जल्दी कर, 15 सेकंड दिया सिर्फ, क्यों? क्योंकि मुझे आप पे अपने से ज्यादा भरोसा रखता हूं मैं आप पे, है ना? क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप रेगुलर देखोगे ना तो बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी। जरा सोचो कैसे, 13 ऐसे 1 + 3 कर दो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 2, 2 + 4 कर दो तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 2 = 24 हो गया। बोलो बात सही है, यहाँ पे बोले तो 7 × 6 = 13 हो गया, यहाँ पे बात करें तो 6 × 3 = 9 हो गया, 13 × 9 = 117 हो गया। अब क्या है, 7 × 5 = 12 हो गया, और 8 × 3 कितना हो गया, 11 हो गया, और 12 में 11 का गुणा कर दो 132 हो गया। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 132 विल बी द राइट आंसर, 132 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात सही। चलो यहाँ पे सुन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने और आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस वालों को है। मैंने बोला ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी सोचो, जल्दी 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 सोचो भाई। देखो 9 में 4 जोड़ा तो 13, 13 में 3 घटाया तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 में 3 घटाया, यानी +4 − 3 + 4 − 3 + 4 − 3, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, यानी 9 + 4 यानी 13 हो गया। 13 में कितना जोड़ा गया, 13 में अगर मान लो 13 में 3 घटाया गया, ठीक है, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, ऐसे हो जाएगा। तो अंत में अगर इसमें हटाओगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यानी 18 में अगर 3 घटाओगे तो 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ऐसा भी होता है, हर टाइप के नए नए क्वेश्चन कराता रहता हूं। जितने अभी रॉन्ग नंबर सीरीज, अब रविंद्र ने एक दिन कहा था कि सर वो रॉन्ग नंबर सीरीज करा दीजिएगा। देखो रविंद्र जो बच्चे बोलते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि अपने दिल की बात, गुरुजी ये करवा दीजिए, तो भाई मैं वही ना करवाऊं जो आपकी इच्छा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सर ये पढ़ाइए, मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? चलो अब आपका रेगुलर एक सेशन वाला बैच भी बनने लगेंगे तो आपको और आराम हो जाएगा। जल्दी से बताओ, देखो गर्मी चाहे जितनी पड़े फ्रिज का पानी अभी शुरू नहीं करना, ठंडे में कुछ मत खाना पीना वरना मौसम बहुत नज़ाकत वाला चल रहा है, ठीक है ना? अब जरा दो 101 में अगर 15 जोड़ोगे तो 116 होगा, और इसको आपस में जोड़ो और माइनस कर दो तो जवाब हो जाएगा। क्यों? जरा देखो 101 में 115 जोड़ो, 35 में 43 जोड़ो, जो आंसर आए उनको आपस में माइनस कर दो तो बीच की वैल्यू आ जाएगी। मतलब फिर से समझो कि पहले 101 में क्रॉस इसको जोड़ो और फिर इसको जोड़ो और क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ पे 38 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 142। यानी इसको इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, 142 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो ये करके दिया, बहुत ही शानदार। अब जरा समझना कि अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट देखो, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, यानी यहाँ नंबर ही आएगा। अब जरा देखो 12 में 2 गया 10, 10 में 2 गया 8, 8 में 2 गया 6, 6 में 2 गया 4, 4 में यानी ऊपर 2 आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये जवाब बिल्कुल सही हो गया। किसी ने कहा सर आपने अल्फ़ाबेट तो देखा ही नहीं, मैंने कहा आप बताओ क्या ज़रूरत है, आप बताओ क्या ज़रूरत है अल्फ़ाबेट देखने, लेकिन देखना है, देख लो 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21, 2, 23 और 23, 2 कितना हो गया 25, यानी यहाँ पे वाई होगा, सही है। लेकिन हमने क्या ज़रूरत है, आप अपने 3 सेकंड खराब कर रहे हो। क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि हमने बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ जबरदस्त प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। बोलो हाँ है ना, हो गया। चलो ये बताओ इसका जवाब बताओ क्या होगा, जी हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका HW है, और आज 2 क्वेश्चन HW है, एक ये है
और ये तो आंसर है भाई इसमें। चलो ठीक है, ये आपका HW है, आप इसे जल्दी से देख लेना और मुझे सॉल्व करके बताना कि आंसर क्या होगा। दिस इज योर HW, ठीक है ना? तो आंसर लोगों ने देखा नहीं होगा, नहीं, लेकिन इसका आंसर देख लिया, तो ये मैं बता दूँ, ये HW नहीं दूंगा, इसका आंसर आप बता दो। चलो, 1228, 499, 500। अब जरा देखो, बढ़ी घटी, बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, यानी घट बढ़ रही है, घट बढ़ रही है, यानी क्या हो रहा है? बहुत ध्यान से बता दो आंसर, बता दो, मैं रुका हुआ, जल्दी से बता दो। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कि पहले 9 का क्यूब माइनस हुआ है, फिर 8 का स्क्वायर जुड़ा है, यानी देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो यही है, पहले ये माइनस हुआ क्यूब जुड़ा स्क्वायर, माइनस हुआ क्यूब जुड़ा स्क्वायर, माइनस हुआ क्यूब जुड़ा स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है, बोलो हाँ या ना? यानी स्क्वायर स्क्वायर जुड़ रहा है, क्यूब क्यूब क्या हो रहा है, घट रहा है, बोलो बात सही है कि नहीं? तो यहाँ पे 9, 8, 7, 4, 5, 6 है, लेकिन पहले क्यूब घटेगा स्क्वायर जुड़ेगा, क्यूब घटेगा स्क्वायर जुड़ेगा, क्यूब घटेगा स्क्वायर जुड़ेगा, और यहाँ पे 131 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये रहा आपका होमवर्क, ये तो चलो कन्फर्म है, ये आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, ये आपको बताना है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? सबको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आज बस मेरा यही कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमेशा वैसा पूछा करिए जो भैया इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, एग्जाम के तहत, तो क्यूरियोसिटी हो, ठीक है? दूसरों के बहकावे में आके, सर जैसे मैथ वाले सर हैं उनसे हम पूछ रहे, पूछो क्वेश्चन, कोई मना नहीं करता, कभी वर्ड प्रॉब्लम पूछो, कुछ पूछो, लेकिन ऐसा पूछो जो पढ़ाई की गरिमा के अंदर है। आप हमसे कुछ भी पूछो, मैं जवाब दूंगा, हर तरीके के कैलेंडर का वो सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन बताऊंगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, साइडेरियल डे किसे कहते हैं, मानक दिन किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रेगोरियन साहब के पहले जूलियस सीजर कैलेंडर था, कैसे चलता था, क्लॉक की एक एक चीजें, एक एक बारीकी बताऊंगा कि 4 से 5 के बीच में दोनों घड़ियां कब, दोनों सुइयां कब समान दूरी पर होंगी। मैं उस सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहां तक आपका दिमाग भी नहीं जाता, घंटे से मिनट वाली सुई कब 78 डिग्री आगे होगी, 13 डिग्री पीछे होगी, 70 डिग्री आगे होगी, हर तरीके ये सब क्वेश्चन पूछो। अब आप पूछे, सर संडे का कोड 0 ही क्यों होता है, मंडे 1 ही क्यों होता है? अब इस तरीके का पहले जो पैटर्न बनाए गए, उन्होंने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ इससे आंसर आ जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन हमेशा वो पूछिए जो सच में वैल्यूएबल हो, जो आपके फ्यूचर के लिए जरूरत हो। बाकी आप लोग हीरा हो यार, कोहिनूर हो, आप मुझसे बात करते हो, मुझसे इस काबिल समझते हो कि नहीं सर से हमको ये नई नई चीजें पूछना है, और जितना मुझसे पूछोगे मैं उतनी चीजें बताऊंगा, लेकिन वाजिब चीजें कुछ। आप सोचो कि उसकी उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसकी ये मनोदशा है, जरा अच्छा उनसे पढ़ते हो, ये पूछ के आना, बचपन में नहीं हम लोग करते थे, तो उनको अभी ये मत सोचना। लेकिन जो भी व्यक्ति आपसे ऐसा बोले कि अच्छा मैथ उनसे पढ़ते हो, जरा ये वाला क्वेश्चन उनसे पूछ के आना, तो जरा समझ लेना कि उस व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है और वो किस विचारधारा का है। वो कभी एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा गार्जियन नहीं हो सकता है जिसके अंदर ये हीन भावना होती है। हाँ, हमसे भी कोई लोग, कुछ बच्चे पूछे, सर वो वाले सर तो ये बताए हैं, मैं उनका सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो सब ने प्रैक्टिस की है, फिर वो आपको समझाते हैं, लेकिन कभी ये भावना रखे कि बच्चों को परेशान करना, बेचारा अपनी पढ़ाई छोड़ के उसी क्वेश्चन को लेके पीछे पीछे घूम रहा है, भाई ये कैसे होता है, हमारे सर ने पूछा है, जबकि उस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। लेकिन अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है, वो ऐसा क्वेश्चन है जिसका सच में मार्केट में उसकी एक वैल्यू है, वो एग्जाम में कई बार आया है, और फिर वो है कि सर ये वाला बताइए, हमारे सर तो ऐसे बताएं, क्या इसका कोई और नया तरीका है, तो उस फैकल्टी की इज्जत रखते हुए इन सब, क्योंकि इन सब चीज़ों में मत पढ़ा करो, क्योंकि सब तो अपना कमा रहे हैं, और तुम बेचारे बच्चे एक शतरंज के प्यादे की तरह तुमको उठा के इधर उधर रखा जाता है और तुम अपना फ्यूचर बर्बाद करते हो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, नई नई चीज़ें सीखो, लेखपाल की वैकेंसी आ रही है वो करो, और इन सब फालतू अफवाहों में और चक्करों में मत पड़ो। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।